सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और गाइस जो भी चैनल पर है वो जल्द से आगे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो गाइस, आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और यूजफुल होने वाली है, क्योंकि गाइस आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ सीक्रेट टिप्स एंड ट्रिक देने वाला हूँ इस वीडियो में, जो कि एकदम जेन्युइन टिप्स एंड ट्रिक होगी। और अगर आप इस टिप्स एंड ट्रिक को फॉलो करते हैं तो आपके हेडशॉट रेट थोड़ा बढ़ जाएगा और आप हेडशॉट एकदम ओपी तरीके से मार सकते हो। राइस्टार के हेडशॉट जैसे आपने देखे हैं, इतनी एक्यूरेसी के साथ आप उस तरीके के हेडशॉट भी मार सकते हो अगर आप उसमें प्रैक्टिस करो तो। तो गाइस आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि गाइस ये जो टिप्स एंड ट्रिक आज मैं आपको बताने वाला हूँ ना, तो ये गाइस मैंने खुद राइस्टार के गेम प्ले से उठाई है। मतलब राइस्टार के गेम प्ले को मैंने अच्छे से स्लो मोशन में पूरा करके देखा, तो मेरे को इसमें पता लगा कि राइस्टार ये टिप्स एंड ट्रिक फॉलो करता है जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना, क्योंकि ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, ठीक है। और काफी ज्यादा जेन्युइन टिप्स एंड ट्रिक मैं आपको इसमें देने वाला हूँ विद प्रूफ, और मैं आपको किलर और राइस्टार के गेम प्ले में से भी दिखाऊंगा कि वो ये टिप्स एंड ट्रिक को यूज कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो गाइस ये वीडियो में काफी ज्यादा मजा आने वाला है, तो ये वीडियो को एंड तक तो आप जरूर से देखना। और अगर आप चैनल पर नए आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जल्दी से 800 सब्सक्राइबर फैमिली हमारी पूरी करा दो यार, बस 10 सब्सक्राइबर बचे हैं। तो गाइस आपके लिए कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, 10 सब्सक्राइबर आप यूं बढ़ा दोगे, बस आप शेयर करो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और ये चीज आपके कस्टम में तो एकदम ओपी तरीके से होने वाली है, जो मैं आज आपको टिप्स एंड ट्रिक बहुत ओपी वाली टिप्स एंड ट्रिक में देने वाला हूँ यार। मैं आपको बता नहीं सकता कि कितनी ओपी टिप्स एंड ट्रिक है, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं यार, आपको भी देखना होगा कि कौन सी टिप्स एंड ट्रिक मैं आज आपको देने वाला हूँ। तो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर आप चैनल पर नए आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं छोटे से इंट्रो के बाद। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं, और अभी तक जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, हमको 800 सब्सक्राइबर फैमिली जल्दी से पूरी करनी है, ठीक है। आप उसमें अपना वन टैप मारो या कोई बॉडी शॉट मारो, लेकिन आपको लाइक और सब्सक्राइब तो करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको जो मैं टिप्स एंड ट्रिक आज देने वाला हूँ इसमें आपको डीपीआई यूज करनी पड़ेगी या नहीं। कई बंदों के दिमाग में ये क्वेश्चन होगा, अभी तक होगा, कि हमको अभी डीपीआई यूज करनी पड़ेगी या नहीं जो आप टिप्स एंड ट्रिक देने वाले हो। तो क्या सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको इसमें कोई डीपीआई की जरूरत नहीं है, डीपीआई यूज करने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि जो टिप्स एंड ट्रिक मैं आज आपको बताने वाला हूँ ये बिना डीपीआई के है। मतलब कोई भी आपको डीपीआई सेटिंग यहाँ नहीं बताई जाएगी, तो आपको अगर डीपीआई सेटिंग के साथ ही खेलना है तो आप इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हो, पहले मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि गाइस यहाँ मैं कोई डीपीआई के बारे में बताने नहीं आया हूँ, मैं आपको बताने आया हूँ कि आप अपनी स्किल कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। इस चैनल पे बस आपको आपकी स्किल इम्प्रूव करने के लिए जो भी कंटेंट होगा वो मिलेगा, ठीक है, ना कि आपको डीपीआई यूज करना बताया जाएगा कि आप डीपीआई यूज करो तो ही आपके हेड लगे, ठीक है। तो इस वीडियो में बिना कोई डीपीआई के आप हेड मारना सीखेंगे, और वो भी एकदम एक्यूरेट हेडशॉट, जो एक्यूरेसी वाले हेडशॉट होते हैं ना, वो इस वीडियो में आप सीखने वाले हो। तो गाइस अब हम बढ़ते हैं अपनी फर्स्ट टिप की तरफ, जिसमें आपको क्या करना होगा, आपको अपनी थोड़ी सेटिंग चेंज करनी होगी, और मैं आपको कोई यहाँ डिवाइस सेटिंग नहीं बताऊंगा, ठीक है। मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ कि आपको अपने कस्टम हुड में क्या चेंजेस करने हैं, और अगर आपके कस्टम हुड में वो चेंज है तो आपको उसको किस तरीके से यूज करना है। तो गाइस सबसे पहले आपको जाना है सेटिंग में, और सेटिंग में जाके आपको जो ऑटो स्विच वाला ऑप्शन होता है ना अपना, उसको इनेबल कर देना अगर वो आपको ऑफ है। क्योंकि गाइस ये एक ऐसी चीज है ना जिससे हेडशॉट इतने एक्यूरेट लगते हैं जिसका कोई जवाब ही नहीं है, ठीक है। अभी मैं खुद आपको ट्रेनिंग ग्राउंड में जाके दिखाऊंगा कि इसके कैसे हेडशॉट लगते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको यही सेटिंग करनी है कि आपको ऑटो स्विच वाला ऑप्शन अपना इनेबल रखना है, और अगर आप 3 फिंगर या 4 फिंगर प्लेयर हो तो आप उसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। मैं यहाँ पर कस्टम मोड भी आपको नहीं बताऊंगा कि आपको किस तरीके से वहाँ रखना है, आप अपने हिसाब से रखो, आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो अब आपने ये इनेबल कर दिया होगा, तो अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड टिप की तरफ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा ड्रैग के बारे में। कई बंदों का ये लग रहा होगा कि उसको ड्रैग आता है, लेकिन भाई अगर तुम्हें ड्रैग आता है तो तुम्हारे हेडशॉट क्यों नहीं लगते, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको कौन से सिचुएशन में कैसे ड्रैग करना होगा। मेनली यहाँ पर दो टाइप के ड्रैग होते हैं, एक होता है रोटेशन ड्रैग और एक होता है स्ट्रेट ड्रैग। तो ये दोनों जो ड्रैग होते हैं ये अलग अलग पोजिशन या एक सिचुएशन में काम आते हैं, एक स्पेसिफिक सिचुएशन में हम इन दोनों ड्रैग को यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रेट ड्रैग के बारे में कि हमको स्ट्रेट ड्रैग कब यूज करना है। तो गाइस स्ट्रेट ड्रैग तब यूज होता है जब कोई बंदा स्ट्रेट खड़ा है, या तो फिर वो आपकी तरफ को स्ट्रेट भाग के आ रहा है,
तो आपको अपना स्ट्रेट ड्रैग को यूज करना है, इससे आपके बहुत इजी वाले हेड लगेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं रोटेशन ड्रैग के बारे में, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हर एक सिचुएशन में लगता है मेनली, ठीक है, ज्यादातर ये हर एक सिचुएशन में लग जाता है, इससे हेड ज्यादातर सिचुएशन में लग जाते हैं। तो रोटेशन ड्रैग आपको कब करना है, जब बंदा मतलब कोई अलग डायरेक्शन में भाग रहा है, स्ट्रेट खड़ा नहीं है, तो आप रोटेशन ड्रैग यूज कर सकते हैं। और आप तब भी यूज कर सकते हैं जब बंदा स्ट्रेट खड़ा है। तो रोटेशन ड्रैग बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको हेडशॉट मारने हैं तो आपको रोटेशन ड्रैग सीखना ही होगा। और रोटेशन ड्रैग के साथ साथ आपको मूवमेंट करनी भी आनी चाहिए, जो कि मैं अभी आगे उसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो अब यहाँ पर मैंने आपको दो ड्रैग के बारे में बताया जो काफी मेन है, ठीक है, और इसमें सबसे ज्यादा मेन है आपका रोटेशन ड्रैग, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब हम बात करने वाले हैं अपनी थर्ड टिप की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको वन टैप की प्रैक्टिस कैसे करनी है। मैंने आपको जो दो मेन चीज थी मैंने आपको बता दी है, तो अब हम मिलते हैं आपको ट्रेनिंग ग्राउंड में, आपको बताता हूँ कि आपको इसमें प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो गाइस यहाँ पर हम आ चुके हैं ट्रेनिंग ग्राउंड में, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो अभी हम किलर एफएफ और राइट स्टार का गेम देखने वाले इतना, तो वो हम इस वीडियो में नहीं देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफी ज्यादा लंबी वैसे भी हो चुकी है। आई थिंक ये 7 मिनट की वीडियो तो बनेगी, लेकिन मुझे इतनी लंबी वीडियो नहीं बनानी, तो इसके अगली वीडियो में जस्ट इसके बाद जो मेरी वीडियो आएगी उसमें मैं किलर एफएफ और राइट स्टार का गेम प्ले दिखाऊंगा। और जो टिप्स एंड ट्रिक मैंने आपको इसमें बताई है, वो टिप्स एंड ट्रिक वो फॉलो करते हैं या नहीं, आप मुझे कमेंट में बताना उस वीडियो के, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो बस सबसे पहले क्या करना है, आपको एक गन ले लेनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पर M18 ले ली है। और M18 लेने के बाद मैं यहाँ जाऊंगा क्लोन के पास और दोनों हेडशॉट मारने की ट्राई करूंगा, मतलब एक बार मैं यहाँ पर ड्रैग हेडशॉट जो नॉर्मल स्टील ड्रैग होता है एक बार उससे मारूंगा, और एक बार जो आपका रोटेशन ड्रैग होता है उससे मारूंगा। तो आप खुद ही देख लेना कि आपका हेडशॉट किससे लग रहा है और कितने अच्छे से लग रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि शॉर्ट रेंज में हमारा जो स्ट्रेट ड्रैग होता है वो किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो जैसे कि हम शॉर्ट रेंज में इसको मारने की ट्राई कर रहे हैं, लेकिन हम कितना भी ड्रैग कर लो ये कभी भी हेड में नहीं जाएगा, मतलब इतने क्लोज में तो कभी नहीं जाएगा, थोड़ा बहुत जा सकता है। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा गन स्विचिंग, जो मैंने आपको बटन बताया था गन स्विच का जो ऑप्शन था, अगर आप उसके साथ इसको यूज करते थे थोड़ा ऊपर जाएगा, लेकिन उतना हेड तक नहीं पहुंच पाएगा। और अगर आप इसी को जो है आप रोटेशन ड्रैग अगर इससे मारते हो, तो गाइस देखो यहाँ रोटेशन ड्रैग से कितना ओपी वाला हेड इसको लग रहा है इतनी शॉर्ट रेंज में भी, ठीक है। और अगर आपको इससे भी शॉर्ट रेंज में हेड मारना है तो आपको उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत प्रैक्टिस करने के बाद आपको ये चीज आएगी, ठीक है। रोटेशन ड्रैग ज्यादा से ज्यादा यूज करना, और अगर आपको लॉन्ग में करना है तो गाइस लॉन्ग में उतना रोटेशन ड्रैग को काम नहीं होता है। अगर आप नॉर्मल स्ट्रेट ड्रैग भी करोगे तो भी आपका हेड लगेगा, लेकिन रोटेशन ड्रैग से थोड़ा अच्छा हेडशॉट लगता है, लेकिन आपको उसके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और आपको रोटेशन ड्रैग के साथ साथ आपको जो आपका गन स्विच वाला बटन है उसको जरूर से यूज करना है, क्योंकि जैसे ही आप ड्रैग करने के बाद स्विचिंग बटन में क्लिक करोगे तो आपका एम थोड़ा और ऊपर जाएगा और उसमें हेड लगने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। तो आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, मैं थोड़ी आपको क्लिप दिखा देता हूँ। तो थोड़ी क्लिप आपने मेरी देख ली होगी कि किस तरीके से इतने ओपी वाले हेड यहाँ पर लग रहे हैं। आप भी ऐसे हेडशॉट मार सकते हैं, मेरा डिवाइस कुछ इतना अच्छा नहीं है। कुछ बंदे अगर सोच रहे हैं कि मेरा डिवाइस बहुत तगड़ा वाला है, इतना अच्छा नहीं है। मैं अपनी डिवाइस की जो स्पेसिफिकेशन होती है मैं वो डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा, आप वहां से उसको चेक कर सकते हैं। तो गाइस आखिरी में जाते जाते मैं बस आपको एक ही बात कहना चाहूंगा कि बस आप प्रैक्टिस करो, जो भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया है ना, बस आप प्रैक्टिस करो गाइस, आपके 100% इतने ओपी वाले हेड लगने चालू हो जाएंगे कि आप बोलोगे वाह। तो गाइस ये वीडियो यहीं पर ही खत्म करते हैं, काफी लंबी वीडियो ये हो चुकी है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, जो मेक श्योर आपको आई होगी, तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी और नई इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए। और गाइस मैंने एक शेड्यूल बनाया है, जिस शेड्यूल के हिसाब से मैं आप वीडियो डालने वाला हूँ, ठीक है। तो गाइस मैं वो शेड्यूल जो अपना कम्युनिटी पोस्ट में वहाँ डाल दूंगा, आप वहां से भी जाकर उसको चेक कर सकते हैं।